प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे और तीसरी बार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया और इस बैठक में वो सारे सांसद मौजूद रहे जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन के रोडमैप को लेकर के चर्चा की है। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 4 घंटे बाकी है। संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल का रोडमैप तैयार है। जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद रहे तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी बैठक में मौजूद रहे। सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया भी बैठक में मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस बैठक की उत्साह से लबरेज ये चेहरे जो संभावित हिस्सा है मंत्रिमंडल का और आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन सभी को चाय पर बुला करके जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी कॉल गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 4 घंटे बाकी है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है। पीएम आवास पर ये संभावित मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद रहे, सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया मौजूद रहे। और इसी बीच ये भी अपडेट है, राजस्थान से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत को कॉल पहुंच गई है। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी फोन गया है और भागीरथ चौधरी ने न्यूज 18 राजस्थान पर बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिव धन्यवाद भी दिया पीएम मोदी को और पार्टी को। इस बैठक में पीएम ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है। संभावित मंत्रियों को रोडमैप को लागू करने के निर्देश दिए गए। जनता के भरोसे को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया, इस पर चर्चा की गई और इस बैठक में 5 साल के रोडमैप को लेकर के भी चर्चा की गई है। भागीरथ चौधरी का नाम, उनका नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को निरंतर 3 बार लोकसभा में आने का और सरकार में काम करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है वो सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मिला है, जोधपुर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से जिस संकल्प को लेकर हम चले थे कि देश सशक्त हो, देश समृद्ध हो, देश समर्थ हो, और सशक्त, समृद्ध और समर्थ देश का मार्ग जो है वो गरीब के घर से होते हुए जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आए, भारत विकसित हो, इस संकल्प को लेकर के जो हम चले थे, इस मार्ग पर और अधिक गति से देश को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के पूरे प्राण की ऊर्जा से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्ग पर काम करेंगे। प्रत्येक क्षण जीवन का इस देश को विकसित करने के लिए समर्पित था, है और रहेगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, अपने वोटर्स का आभार प्रकट किया, पार्टी का आभार प्रकट किया, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया है और वे भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। इस तरह की जानकारी सामने आ रखी है। 100 दिन की कार्य योजना के निर्देश दिए गए और इससे पहले ये तस्वीर देखिए, उत्साह से लबरेजिए चेहरे पीयूष गोयल, ललन सिंह और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, ये तमाम वो चेहरे हैं जो हिस्सा बन रहे हैं मंत्रिमंडल का। इस तरह के कयास और इससे पहले चाय पार्टी पर बुलाया गया, नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी जानकारी है और आपको बता दें कि इन इन सांसदों को फोन आया, ये राजस्थान के वो चेहरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर से जीतकर संसद पहुंचे हैं, जोधपुर से सांसद, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद, इनको भी फोन आया है और लगातार मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में भी रहे हैं दोनों वो चेहरे। लेकिन एक चेहरा जो इस बार नया जुड़ने जा रहा है वो भागीरथ चौधरी का चेहरा है। भागीरथ चौधरी दूसरी बार जीत करके संसद पहुंचे हैं, इससे पहले विधायक रह चुके हैं और इनको भी फोन गया है। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को फोन गया है। ये 3 चेहरे जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। और ये जो तस्वीर है वो चाय पार्टी की तस्वीर है, चाय पर बुलाया चर्चा के लिए। इसमें चिराग पासवान से लगा करके चाय वो बात करें, पीयूष गोयल की, ललन सिंह की बात करें, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह।
और इसी बीच सबसे बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने मोदी मंत्रिमंडल में नाम आने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर यह विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे, और साथ ही साथ यह भी कहा कि आखिरकार कौन सा पद उन्हें मंत्रिमंडल में मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर उन्होंने कहा यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान अजमेर से भागीरथ चौधरी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि मैं एक सौभाग्यशाली हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है, इतना नहीं पूरे विश्व में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे नेतृत्व के साथ रहकर, उनके नीचे रहकर मुझे काम करने का जो अवसर दिया प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, जब आज फोन आया था, उम्मीद थी कि फोन आ जाएगा या इंतजार था फोन का? ऐसा कुछ नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, या एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मेरा जैसे एक साधारण एक किसान के परिवार में कोई मेरी कोई राजनीतिक मेरा कोई पारिवारिक ऐसी प्रस्तुति नहीं है, फिर मुझे दोबारा सांसद का टिकट दिया और आज मोदी जी ने अपनी टीम में मुझे सरी किया, मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तो मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया गया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उनका एजेंडा ये है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। 10 साल के उनके काम, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने एजेंडा लिया है उस एजेंडे पर काम होगा और ये देश तेजी से विकास के दर्शन से आगे बढ़ेगा। सर, तो क्या लग रहा है कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा? जो प्रधानमंत्री जी है जो दायित्व देंगे, उस दायित्व को ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और हमारा काम ही है, हम सेवक के रूप में जनता की का जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सब मिलकर हम काम दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात है कि दायित्व जो दिया जाएगा उसका तो निर्वहन किया जाएगा, लेकिन अपनी भी एक पसंद होती है, तो आपकी भी कुछ खास पसंद है कि मिनिस्ट्री ये मिले मुझे? कोई पसंद नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी जो जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से और बिल्कुल कर्मठता से तन्मयता से उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और मोदी जी के जो जिस विश्वास के साथ चयन किया उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। चौधरी को आप सुन रहे थे, लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। 2003 से उनका राजनीतिक करियर विधायक के तौर पर शुरू हुआ और उसके बाद दो बार विधायक भी रहे और दो बार के सांसद। इस बार फिर से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके वे संसद पहुंचे हैं और ऐसे में उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? देखिए, तमाम जिन लोगों को मंत्री बनना है उनकी जो प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा होनी थी थोड़ी देर पहले, वो खत्म हो गई है। तमाम मंत्री जो हैं अपने अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और चूंकि शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे, तो ऐसे में सब तमाम जो मंत्री हैं या फिर तमाम जो लोग हैं जिनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है उनको वहां 5:30 तक राष्ट्रपति भवन में पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो भी, उनके अलावा अन्य जो अतिथि वहां जाएंगे वो भी, सब लोग 5:30 तक राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे। अपनी अपनी तैयारी सब कर रहे हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है कि ये तीन जो मंत्री हैं वो वहां मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर जो चाय पर चर्चा हुई थी ये तीनों ही लोग
उसमें शामिल थे। उसके अलावा अलग अलग राज्यों से अगर बात करें, गठबंधन के अगर दलों की बात करें, तो टीडीपी से दो नेता शपथ लेंगे, जेडीयू से दो नेता शपथ लेंगे, जेडीएस से एक कुमार स्वामी खुद शपथ लेंगे, चिराग पासवान की पार्टी से खुद चिराग पासवान शपथ लेंगे, जयंत चौधरी की आरएलडी से जयंत चौधरी शपथ लेंगे, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल शपथ लेंगे क्योंकि अकेली सांसद जीत के आई हैं। तो ऐसे में जितने भी जो मंत्री बनने वाले हैं, तकरीबन 55 से 60 लोग जो हैं आज प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उन सब ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास तक राष्ट्रपति भवन पहुंचने का कार्यक्रम है, तो अपने उसको लेकर लगातार तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उधर राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 8,000 से ज्यादा अतिथि आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करें या मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें, बिल्कुल पवन पड़ोसी राज्यों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको भी बुलाया गया। बैद खास ये शपथ ग्रहण होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बहरहाल तैयारियां लगातार की जा रही हैं, तीसरी बार मोदी सरकार, और इसे लेकर के नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, और इसे लेकर के तैयारियां लगातार जारी हैं। राजस्थान से भी 3 नामों को लेकर के अब तक साफ हो पाया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह अगली वाली पंक्ति में। इसके अलावा जो भी चेहरे आप जयंत चौधरी से लगा करके चिराग पासवान और बाकी के चेहरों को भी देखिए, तो ये तमाम जो लोग हैं वो इस बार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।